the function of education then is to help you from childhood not to imitate anybody but to be yourself all the time. The function of education मतलब शिक्षा का कार्य क्या है, function क्या है, वो यही है. then तब तो शिक्षा का कार्य यही है, to help you from childhood, कि वो आपको बचपन से ही मदद करे आपकी. not to imitate anybody, कि आप किसी की नकल ना करें, किसी को कॉपी ना करें. but to be yourself all the time, बट हर समय आप जो हैं वही बन के रहें. टू बी योर सेल्फ, आप जो हैं वही बने, वही रहें बन के. तो शिक्षा का ये पर्पज़, ये एक्चुअली में फंक्शन होना चाहिए. और उसके बाद एंड देन दिस इज़ अ मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू डू. ये राइटर कहते हैं कि यही चीज़ तो बहुत ही मुश्किल है करना. वेदर यू आर अगली और ब्यूटिफुल, भले आप सुंदर हैं, भले आप अगली हैं, अगली का मतलब बदसूरत हैं. वेदर यू आर एनवियस और जेलस, भले आप ईर्ष्यालु हैं या आपको किसी से जलन होती है. ऑलवेज टू बी वॉट यू आर, आप वही बन के रहें जो आप हैं अंदर से. बट अंडरस्टैंड, लेकिन इसे समझें कि ये है क्या, ठीक है, आप क्या हैं, आप अपने आप को समझें. टू बी योर सेल्फ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. ये क्या कह रहे हैं, समझें ये बात को. और आगे क्या कहते हैं कि क्या समझना है, टू बी योर सेल्फ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, आप बन के रहें ये बहुत ही मुश्किल है. मतलब आप जो हैं अंदर से वो बने रहें ये बहुत ही मुश्किल है. क्यों, बिकॉज यू थिंक दैट यू आर इग्नोरेबल, क्योंकि आप तो सोचते हैं आपके लिए मुश्किल क्यों है, आप बने रहें ये आपके लिए मुश्किल क्यों है, क्योंकि आप क्या सोचते हैं कि आप इग्नोरेबल हैं. इग्नोरेबल का मतलब होता है आप की गिनती कुछ ज़्यादा मतलब अच्छे लोगों में नहीं होती, आप सबसे ज़्यादा नीचे के लेवल पर आते हैं, या तो आप अपने आप को नीचा समझते हैं, आप नहीं समझते कि आप सबके बराबर हैं, आप कहीं ना कहीं अपने आप को कम समझते. ये एक रीज़न हो सकता है. एंड दैट इफ़ यू कुड ओनली चेंज वॉट यू आर इन टू समथिंग नोबल. और फिर आप ये भी सोचते हैं कि शायद मैं चेंज कर दूँ, अपने आप को चेंज कर लूँ किसी नोबल चीज़ में, यानी किसी अच्छे, मतलब मैं कुछ अच्छा बन जाऊँ, नोबल बन जाऊँ. इट वुड बी मार्वलस बट दैट नेवर हैपन्स. आप सोचते हैं कि बहुत मार्वलस अद्भुत चीज़ हो जाएगी अगर मैं नोबल बन जाऊँ, क्योंकि अभी तक तो आप अपने बारे में इग्नोबल सोचते हैं. आप सोचते हैं कि मैं तो ज़्यादा, मेरी ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है. लेकिन आप मनी मनी ये सोच रहे हैं कि काश कि मैं अपने आप को बदल लूँ, नोबल बन जाऊँ. और आप ये भी सोचते हैं कि इट वुड बी मार्वलस बट दैट नेवर हैपन्स, लेकिन ये कभी हुआ ही नहीं, ठीक है. वेयर एज इफ़ यू लुक एट वॉट यू एक्चुअली आर एंड अंडरस्टैंड इट. और ये क्या कह रहे हैं, जबकि अगर आप देखें वॉट यू एक्चुअली आर, कि आप सच में हैं क्या, एंड अंडरस्टैंड इट, और अगर आप समझें कि आप क्या हैं, ठीक है, तो क्या होगा, देन इन दैट वेरी अंडरस्टैंडिंग, तब आपकी जो समझ होगी, देर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें एक बदलाव आएगा. जब आप समझ जाएंगे, ठीक है, क्या समझ जाएंगे कि आप एक्चुअली में हैं क्या, अंदर से आप क्या हैं, आप क्या सच में बन सकते हैं. जब ये समझदारी आ जाएगी, इस अंडरस्टैंडिंग जो आ जाएगी आपके अंदर, उसमें एक बदलाव आएगा, उसकी वजह से एक बदलाव आएगा, आप ऐसा कह सकते हैं. सो फ्रीडम लाइज, इसलिए फ्रीडम निहित है, नॉट इन ट्राइंग टू बिकम समथिंग डिफरेंट. इसमें निहित नहीं है कि आप ट्राई करें कुछ अलग करने की, इसमें फ्रीडम निहित नहीं है. नॉर इन डूइंग वॉट एवर यू हैपन टू फील लाइक डूइंग, इसमें भी फ्रीडम नहीं है कि भाई जो आप करना चाहें, जो आपकी इच्छा हो वो आप करते हैं, इसमें भी फ्रीडम नहीं है. नॉर इन फॉलोइंग
द अथॉरिटी ऑफ ट्रेडिशन, भाई आप जिन्होंने जो परंपरा को कैरी आउट करते आ रहे हैं उसकी उनकी जो अथॉरिटी है, जो परंपरा चलाते हैं, ट्रेडिशन चलाते हैं, तो भाई आप उनको फॉलो करो, इसमें भी फ्रीडम नहीं है। ऑफ़ योर पेरेंट्स, भाई पेरेंट्स को भी फॉलो करते आओ, इसमें भी फ्रीडम नहीं है। ऑफ़ योर टीचर, टीचर की परंपरा, टीचर की बात को भी फॉलो करो, इसमें भी फ्रीडम नहीं है। बट इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट, फ्रीडम तो उसमें है, मतलब फ्रीडम उस समझ में है, ठीक है, या ये समझने में है कि आप क्या हैं फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट, हर क्षण आप हैं क्या। अगर आप ये समझते रहे तो फ्रीडम आपको उसमें मिलेगा, वहाँ जाकर आपको फ्रीडम मिलेगी। यहाँ पर जी कृष्णमूर्ति जो बात कर रहे हैं ये बहुत ही आप कह सकते हैं स्पिरिचुअल बात है। यहाँ पर आप ऐसा फील करेंगे कि जैसे आप उलझ गए हैं, मतलब क्या कहना चाहते हैं जी कृष्णमूर्ति ये आप जल्दी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। मूल रूप से ये यही कहना चाहते हैं कि जो आप हैं अंदर से वही आप बनिए, उसी को आप निखारिए, जो आपका रूप है अंदर से, ये नहीं कि किसी दूसरे की वजह से आप अपने आप को बदल लीजिए, किसी दूसरे की तरह आप बन जाइए, पूरी तरह से आप किसी दूसरे की तरह नहीं बन सकते। सीख ले सकते हैं, ज़रूर सीख लीजिए, पूरी लाइफ सीखने के लिए और सीखते रहना चाहिए, सिर्फ किसी दूसरे इंसान से ही नहीं, किसी भी एनिमल से कुछ भी सीखने को मिल जाए आप सीख लीजिए, ये तो चीज़ करते ही रहना है। लेकिन कहने का मतलब आप किसी दूसरे व्यक्ति की तरह पूर्ण रूप से नहीं बन सकते, उनसे आप सीख ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कहना यही चाहते हैं कि आप फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट आप अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए कि आप हैं क्या, ठीक है। किसी के प्रभाव में आने की ज़रूरत नहीं है, सीख सबसे लेनी है, टीचर से भी लेनी है, पेरेंट्स से भी लेनी है, ट्रेडिशन से भी, ट्रेडिशन में भी रहना है, लेकिन किसी चीज़ के प्रभाव में नहीं आना है ज़्यादा, ठीक है, तभी आपको फ्रीडम मिलेगा, तभी आप फ्री होंगे, ऐसा ये कह रहे हैं, ठीक है। यू सी यू आर नॉट एजुकेटेड फॉर दिस, अब ये क्या कह रहे हैं, आप लोगों को इसके लिए शिक्षा दी ही नहीं गई है। योर एजुकेशन इनकरेजेज यू टू बिकम समथिंग, आपका एजुकेशन, आपकी जो शिक्षा है आपको प्रोत्साहित करता है कि भाई आप कुछ बने, इसके लिए प्रोत्साहित करता है, और अदर और या तो कुछ और बने, बट दिस इज नॉट, सॉरी बट दैट इज नॉट द, दैट इज नॉट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ, लेकिन इससे आप अपने आप को तो नहीं समझ पाओगे ना, ठीक है। योर सेल्फ इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, योर सेल्फ मतलब अपने आप को ही समझना बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स यानी जटिल चीज़ है। इट इज़ नॉट मेयरली द एंटिटी दैट गोज टू स्कूल, आप अपने आप को समझने बैठेंगे तो सिर्फ आप ये मत समझ बैठिएगा, सिर्फ मेयरली का मतलब सिर्फ वो कोई एंटिटी नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, एंटिटी का मतलब व्यक्ति, व्यक्ति दैट गोज टू स्कूल, कि वो स्कूल जाता है, दैट क्वारल्स, वो झगड़ा करता है, दैट प्लेज गेम्स, वो खेल भी खेलता है, दैट इज़ अफ्रेड, उसे डर भी लगता है, बट इट इज़ ऑल्सो समथिंग इट, लेकिन वो कुछ और भी है। ये जो आप अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं ये अंदर से कुछ और भी है, ये सिर्फ स्कूल नहीं जाता है, ये सिर्फ झगड़ा ही नहीं करता है, ये सिर्फ खेल ही नहीं खेलता है, ये सिर्फ डरता ही नहीं है, ये कुछ और भी है, बट नॉट ऑब्वियस, वो दिखाई नहीं दे रहा है स्पष्ट रूप से आपको, क्योंकि आप जब तक अपने आप को ठीक से समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक वो चीज़ ऑब्वियसली दिखाई नहीं देगी आपको अंदर से। इट इज़ मेड अप नॉट ओनली ऑफ ऑल द थॉट्स, वी क्या कह रहा है कि ये जो आप अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं योर सेल्फ को, इट इज़ मेड अप, ये बना हुआ है नॉट ओनली ऑफ ऑल द थॉट्स, सारे सोच को लेकर बना है, सिर्फ सारे सोच को लेकर बना है नहीं, दैट यू थिंक, जो आप सोचते हैं, बट ऑल्सो ऑल द थिंग्स, उन सारी चीज़ों को लेकर बना है, दैट हैव बीन पुट इन योर माइंड, जो सारी चीज़ें आपके माइंड में पुट की गई हैं बाई अदर पीपल, दूसरे लोगों द्वारा, उन सभी मतलब आपके मन में चल रहे सारे विचारों और दूसरे लोगों द्वारा, फिर दूसरी बुक्स द्वारा, न्यूज़पेपर द्वारा, और लीडर्स जो नेता हैं उनकी बातें सुनकर, तो इन सभी के बातों का, इन सभी का प्रभाव आपके मन में पड़ा है, और वही सब मिलाकर आप बनते हैं,
आपके मन में जो सोच चल रही होती है, आपने जहाँ से ज्ञान अर्जित किया है, जिन लोगों की बात सुनी है, न्यूज़पेपर पढ़ा है, बुक पढ़ी है, नेता की बात सुनी है, वो सब बातें मिलाकर, वो सब सोच विचार सब कुछ मिलाकर आप बने हैं आप। एंड इट इज़ पॉसिबल टू अंडरस्टैंड ऑल दैट ओनली व्हेन यू डोंट वांट टू बी समबडी। और ये सब तभी आप समझ पाओगे जब आपके मन में ये इच्छा होगी कि नहीं, मुझे किसी की तरह नहीं बनना है, मुझे बस मैं जो हूँ वही बन के रहना है। जब ये आपके मन में होगा तभी आपको ये समझ में आएगा कि फ्रीडम क्या होता है। तो आप किसी की तरह नहीं बनना चाहते अगर, और व्हेन यू डोंट इमिटेट, अगर आप किसी को कॉपी नहीं करना चाहते, ओके, व्हेन यू डोंट फॉलो, और आप किसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, विच मीन्स रियली व्हेन यू आर इन रिवोल्ट अगेंस्ट द होल ट्रेडिशन, इसका मतलब ये भी है कि आप रिवोल्ट में हैं, मतलब विरोध में है, पूरे ट्रेडिशन के अगेंस्ट में हैं आप, और ट्राइंग टू बिकम समथिंग। कौन सा ट्रेडिशन, किसके ट्रेडिशन, किस चीज़ के ट्रेडिशन के अगेंस्ट में है? तो ट्रेडिशन जो परंपरा चलती आती है कि भाई हमें किसी की तरह बनना है, हमें उनकी तरह बनना है, हमें उनकी तरह बनना है, ठीक है, तो ये जो परंपरा चली आ रही है इसके अगेंस्ट में अगर आप आ जाते हैं, ठीक है, इसका मतलब आप किसी की तरह नहीं बनना चाहते, आप बस जो हैं वही बन के रहना चाहते हैं, ठीक है, तो ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है। दैट इज़ द ओनली ट्रू रिवोल्यूशन, और तभी एक सच्चा रिवोल्यूशन, एक क्रांति आएगी आपके जीवन में, लीडिंग टू एक्स्ट्रॉर्डिनरी फ्रीडम, और वो क्रांति आपको लेके जाएगी, लीड करके ले जाएगी असाधारण फ्रीडम की तरफ, असाधारण फ्रीडम। ओके, टू कल्टीवेट दिस फ्रीडम, अगर आपको इस फ्रीडम को कल्टीवेट करना है, ठीक है, यानी इस फ्रीडम को लाना है अपने अंदर और बनाए रखना है, जैसे कल्टीवेट करना होता है यानी कि फसल उगाना होता है, खेती करना होता है, तो अगर आपको अपने मन के अंदर ये फ्रीडम लाना है तो टू कल्टीवेट दिस फ्रीडम इज़ द रियल फंक्शन ऑफ एजुकेशन। फ्रीडम कल्टीवेट करना, फ्रीडम आपके अंदर लाना, ये एक सच्चा फंक्शन है किसका, एजुकेशन का। एजुकेशन का सच्चा फंक्शन है फ्रीडम कल्टीवेट करना आपके अंदर। ओके,